इंसानियत के सर का ताज है। अली ने फरमाया मैं कामयाब हो गया, कामयाबी जिसके कदमों की वजह से है। वो कह रहे हैं कि अली कामयाब हो गया। आप अयाम शहादत की ये जितनी मदरसे हैं आप उसमें एक लफ्ज में बस जरूर पढ़ेंगे सुनेंगे कि पढ़ने वाले जाकिरीन वाइजीन और खुतबा कहेंगे कि अली आए भी अल्लाह के घर में, अली गए भी अल्लाह के घर में। खरोटा सहीदा मेरी जिंदगी की पहली हाजिरी है, अकीदे वाले चेहरे मेरे सामने बैठे हैं। मैं लफ्ज की तरतीब बदलूंगा और फिर मुझे अंदाजा होगा कि कितने बंदों ने कितना सुनना है। आप हमेशा यही सुनते आए सुनेंगे और हमेशा ये सुनने के लिए इंसान की जुबानें मेंबर से बोलती रहेंगी कि अली अल्लाह के घर में आए, अली अल्लाह के घर से गए। मैं पहली दफा जुमला तब्दील करने लगा हूं, अली अपने ही घर में आए। मुझे वो हाथ चाहिए जो तारीफ के लिए उठा, मुझे उस हाथ की जियारत करनी है जो तारीफ के लिए उठा। मैंने जुमला मेंबर से कहा अली अपने ही घर में आए, अली अपने ही घर से गए। अली अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर भी अली का घर है, अली के घर भी अल्लाह का घर है। जिसे अल्लाह अपना घर कहता है उसे अली अपना घर कहता है। अगर किसी बंदे के जहन में हल्की सी भी शक की कलश हो तो मालिक की मजलिस यहां से शक लेके नहीं, यहां से यकीन का खजाना लेके घर जाते हैं। जिस बंदे के जहन में शक है मैं उससे मिम्बर पे दावत देने लगा हूं, वो जिसे मानता है उसे उसकी कसम वो कल सुबह चौक में खड़ा होकर तबसरा न करे, वो फेसबुक में बैठ के तबसरा न करे। जिसे मानता है उसे उसकी कसम वो अभी मिम्बर से उठे और मुझ पर सवाल करे कि आपने जुमला कैसे कह दिया, पूरी रात गुजर जाएगी मेरी दलीलें खत्म नहीं होगी। मैंने जुमला कहा है कि अल्लाह का घर भी अली का घर है, अली का घर ही अल्लाह का घर है। अभी ये जुमला मेरी जुबान से निकला थोड़ी देर के बाद यहां से लेके आकर तक और बाहर तक जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है जुमला मैंने मिम्बर से कहा वो हर बंदे की जुबान से निकले। इसे ही मिम्बर की सच्चाई कहते हैं कि हर जुबान उसकी तारीफ करे। मैंने मेंबर के मुसल्ले से मदद की अदान ये जुमला कहा कि अल्लाह का घर अली का घर है। अब इससे पहले कि मैं कोई मुश्किल बात छेड़ू आसान बात से शुरू करते, 13 रजब को अली की मां खाने काबा के करीब आई। इससे कोई रवायत दिखाने की जरूरत तो नहीं, किसी किताब का हवाला देने की जरूरत तो नहीं। 13 रजब को बीबी आई, इसमें सबका यकीन। बीबी काबा के करीब गई, सबका यकीन। बीबी रुकने जमानी के करीब पहुंची, सबका यकीन। दीवार फट गई, सबका यकीन। बीबी काबा के अंदर गई, सबका यकीन। 13 रजब अली की मां काबा में, 14 रजब बीबी काबा में, 15 रजब बीबी काबा में, 16 रजब तक अली की अम्मा काबा में बैठी रही। यहां तक शिया सुन्नी सबका इस्तेमा सबने तारीफ की कि हाँ ऐसा ही है। 3 दिन 3 रात अली की अम्मा काबा में बैठी गई। इसके पीछे जो कहानी चल रही थी शायद वो मिंबर से बयान की गई। पहली बार अगर जुबान से ये समातों को टकराए तो जिक्र की तस्वीर जरूर कीजिएगा। अली की माँ 3 दिन तक 3 रातों तक बीबी काबा में बैठी गई। बीबी 13 रजब को गई, बीबी 16 रजब को आई। मैं उस बंदे के हाथ में बैत करूंगा, अगली जिंदगी उस बंदे की गुलामी करूंगा। मैंने जिंदगी में ये कभी नहीं कहा कि अगर कोई साबित करे तो मैं मजहब छोड़ दूंगा, क्योंकि जो काम मैं कर सकता ही नहीं उस बात का मैं मिंबर से वादा ही नहीं करता। जो काम मुझसे हो नहीं सकता तो उसका दावा ही नहीं करता। इसलिए कि बाप छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल है। अली को नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ मैं मिंबर पर यह दावा करता हूँ कि मैं उस बंदे की गुलामी करूंगा जब मुझे किसी दुश्मन से दुश्मन अली की, झूठी से झूठी किताब की, फटी से फटी रवायत से वो एक रवायत निकाल के बताए कि 3 दिन 3 रातों में एक दिन भी हजरत इमरान अपनी जौजा को ढूंढने के लिए निकले हो। हजरत अबू तालिब जो आपने नहीं की जिन्हें आपने चला गया ये दरवाजा बंद रखिएगा। 3 दिन 3 रातों तक एक दिन भी हजरत अबू तालिब अपनी जौजा को ढूंढने निकले हो। अबू तालिब भी घर में रहे, रसूल भी घर में रहे। अबू तालिब घर से निकले, रसूल घर से निकले। आपका समझते साल कोड का मजमा ये खाने काबा जो था, ये बैतुल्ला जो था, ये मक्का के बाहर था, ये मक्का की आबादी में था। मक्के वालों ने अली की मां को जाते हुए भी देखा, अबू तालिब की शौचा को दीवार पे खड़े भी देखा, दीवार को फटते भी देखा, बीबी को घर में जाते भी देखा। मक्के वाले परेशान हो गए कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बीबी दीवार के करीब गई है, दीवार फट गई है, बीबी घर के अंदर चली गई है। वो इतला देने के लिए जल्दी जल्दी हजरत अबू तालिब के घर गए। मक्के वालों ने आपते हुए सांस से, कांपते हुए बदन से अबू तालिब के दरवाजे में दस्तक दी। अंदर से हजरत इमरान आए, उन्होंने कहा ऐ रईस मक्का मैं मतवल्ली काबा, तेरी शौजा उस घर के करीब गई है, दीवार फट गई है, तेरी शौजा घर के अंदर चली गई है, तुझे फिक्र नहीं। अबू तालिब मुस्कुरा के वापस आए, दरवाजा बंद कर मुझे भी बताने आए हो या जाने वाला जाने या बुलाने वाला।
परेशानी नहीं है। आखिर मक्के वालों ने सोचा यहाँ पर इस रात को पाना है कि ये बीबी क्यों गई है, किस लिए गई है। मक्के में आधे बंदे दिन को पहरा देते, आधे बंदे रात को पहरा देते, रात वाले दिन वालों से पूछते, दिन वाले रात वाले से पूछते। वहां लात भी था, वहां मन्नात भी था, वहां उर्सा भी था, तीनों की पूजा होती थी। लात वाले लात से पूछते, मन्नात वाले मन्नात से पूछते, उर्सा वाले उर्सा से पूछते। ठीक ठीक थी रातों में मक्के में न कोई सोया, मक्के में बेचैनी की लहर दौड़ती गई। आखिर वो बीवी कहाँ गई है, आखिर वो बीवी क्यों गई है, आखिर वो बीवी किस रंग से गई है। आखिर 16 जब को मक्के वालों के खबर का बताना नबरेज हुआ, मक्के वाले इकट्ठे होकर अल्लाह के दरवाजे पे आए, उनका घर का ताला तोड़ते हैं, अंदर जाके देखते वो बीवी क्या है। इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, सियालकोट वाले पहली बार किसी ने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी। इधर अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक हुई, इधर अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक हुई, उधर से आवाज परवरदिगार अली की मौत, दरवाजा खोल, बीवी का घर तेरा है, दरवाजा मैं क्यों खोलूं। फरमाया मेरे घर का दरवाजा खोल, मेरे बंदे मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, इन्हें दरवाजा खोल के अली दिखा ताकि मैं बंदों को बताऊं, जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी जाए अंदर से चली गई आता। खुदा ने कहा मेरे घर में एहतिकाफ हुआ है और सिवाय अली की अम्मा के 3 दिन अल्लाह के घर में कोई नहीं बैठा।
نماز کا آشرہ شروع ہو چکا ہے. مرضی کے معاملے کے سر پہ قرآن کے پوچھو, شریعت کا مسئلہ ہے. مرد اعتکاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا, عورت بیٹھے گی تو گھر میں بیٹھے گی. علی کی ماں اللہ کے گھر میں بیٹھی, خدا نے کا اعتکاف ہوا. آپ بتا اپنا گھر سمجھ کے بیٹھی تھی یا علی کا گھر شرم. بے شک ہم نے پہلا گھر جو انسان کی ہدایت کے لیے بنایا وہ مکہ ہدل للعالمین, تاکہ یہ عالمین کو ہدایت کرے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے, اور میں نے اکثر بے ہدایت کعبے کے قریب دیکھے. آپ کا حسین صاحب کے سلام, اللہ کی جوانیوں کو سلامت رکھے. اکبر کی چوٹی کا صدقہ یہ جوانی اچھا. بڑے بڑے بے ہدایت بندے میں نے دیکھے ہیں جو اللہ کے گھر کے پہلو میں بیٹھتے ہیں, اللہ کے گھر کے قریب رہتے ہیں. اور یہ سیالکوٹ والوں, پروٹا سیدا والوں, پوری رات بھی جملے کا نشہ محسوس کرتے رہنا. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, ہمیں اللہ نے کرم اتنا کر دیا ہے, ماہ سیام میں جتنا شکر کروں اپنے پروردگار کا ادا ہو نہیں سکتا. اس نے ہم پہ اتنا کرم کیا ہے کہ ہمیں اس نے مرشد, ہادی, رہبر, امام ایسے عطا کیے ہیں کہ ہمیں اپنے کسی بھی امام کی قبر کا ایڈریس یہ نہیں بتانا پڑتا کہ ان کے پہلو میں, ان کے پہلو میں, ان کے پہلو میں, ان کے پہلو میں. ہمارے مرشد کسی کے قبر کے پہلو میں لیٹ کے مشہور نہیں ہوئے, کسی بڑے کے پہلو میں لیٹ کے مشہور ہو جانا اور بات ہے. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے, یہ اتنے کریم ہے. یہ جہاں جاتے ہیں وہ جگہ مقدر کر دیتے ہیں, یہ مکہ جاتے ہیں وہ کربلا کر دیتے ہیں, یہ مدینہ آتے ہیں وہ نبلا کر دیتے ہیں, یہ نجف جاتے ہیں اشرف کر دیتے ہیں, یہ کربلا آتے ہیں وہ اللہ کر دیتے ہیں, یہ مشہد جاتے ہیں وہ قدس کر دیتے ہیں, یہ قاسمین جاتے ہیں شریف پھیر کرتے ہیں. سیال کو جملے کی قدر کرنا بلکہ ان کے پہلو میں کوئی بڑا لے جائے یہ اسے بھی گمنام کر دیتے ہیں. علی کے ادھر آدم سویا ہے, ادھر نوح سویا ہے, نجف جا کے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ آدم کی قبر کہاں.